यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के पास गांव अमियावाला में। यहां नदी के किनारे ये नगर पालिका परिषद जसपुर द्वारा ये शहर का कूड़ा कचरा यहां फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं ये गांव अमियावाले की आबादी चमक रही है। ये पास में ही है और ये कूड़ा कचरा नदी के किनारे डाला जा रहा है। ये गाँव वासियों को ये गंदगी का सामना करना पड़ रहा है और ये रास्ते के किनारे कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। एक तरफ नदी का किनारा है, दूसरी तरफ रास्ता है और ये जहाँ ये कूड़ा करकट डाला जा रहा है तो ये गांव अमियावाला जसपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि नगर पालिका जसपुर द्वारा ये गांव के स्वच्छ वातावरण को ये कूड़ा करकट कचरा डालकर ये प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे गाँव वासी काफ़ी प्रभावित हैं। देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से इनसे वार्ता करते हैं। तो सहोता जी, ये इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये नगर पालिका परिषद का कूड़ा ये 5 किलोमीटर दूर ये गांव अमियावाला के पास डाला जा रहा है। एक तरफ नदी का किनारा है, दूसरी तरफ रास्ता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कूड़े का तो ये है कि मानक की गड्ढा खुद के नगर पालिका की जगह अपनी ले रखी हो और गड्ढा खुदता है, आधा पार्ट दो पार्टों में करा जाता है, आधा पार्ट जमीन के अंदर गिरता है, जमीन के ऊपर कूड़ा जो नियमावली में है वो नहीं गिरता। अब ये पता नहीं कैसे ये बाहर गिरे जा रहे हैं, जो प्रदूषण बोर्ड है क्या कर रहा है, जो वो देख नहीं रहे इस चीज़ को। ये तो बदबू भी फैल रही है और इसमें यानी एक महामारी बीमारी फैलने का भी डर रहता है जो क्षेत्र में गाँव वासियों के और जनता के लिए। बहुत ये अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। और इसे पता नहीं क्यों जो नियम को फॉलो नहीं करते भाई, इनकी जो जगह होती है जैसे दो पार्ट में उसे बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे पार्ट का खाद बन जाता है, उसे निकाल कर तो दूसरा पार्ट भरा जाता है, उसके बाद में फिर दूसरा पार्ट, इसी तरह से क्रम चलता है। अच्छा, इसमें क्या कहना तो ये जमीन के ऊपर नहीं डाल सकते ये कूड़ा। अच्छा, इसमें क्या कहना चाहेंगे कि ये कूड़ा करकट कचरा नगर पालिका का है, शहर का है और ये गाँव के जो स्वच्छ वातावरण है उसे प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहना है? अपने नगर पालिका में ही जगह जो इनकी है वहाँ पर जमीन को खोद कर दो पार्ट बना लेने चाहिए, उसका खाद बन जाता है, 6 महीने बाद में वो भर जाएगा तो दूसरे उसमें पार्ट में गिरने लग पड़े, तो वहाँ जगह भी नहीं ज़्यादा होगी। जमीन के ऊपर तो ये डाल ही नहीं सकते कूड़ा नियमानुसार, ना ये जमीन के ऊपर नियम नहीं है डालने का कूड़ा, तो ये जमीन का गड्ढा खोद के उसमें ही एक जो नियम है इनका नगर पालिका का, जो नियम कानून है हमारे भारत देश का, वो नीचे ही गड्ढा खोद के कूड़ा डालता है, उसका जब खाद बन जाए एक पार्ट में तो दूसरे पार्ट में डाल लो, उसका निकाल लो, वो खाली हो जाएगा। यानी कि तो ये शहर के अंदर ही अपने एरिया में इन्हें करना चाहिए। ये कहने का मतलब ये नाजायज है? हाँ, गलत है ये तो। आबोहवा भी खराब हो रही है और बच्चों के लिए बहुत, स्कूली बच्चे हैं ये आ जा रहे हैं, स्कूली बच्चे, बदबू फैलती है, महामारी फैलने का डर रहता है। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से, तो उन्होंने बताया, उनका कहना है कि नगर का कूड़ा करकट कचरा ये गांव की आबादी के पास डाला जा रहा है, जिससे यहां गांव का स्वच्छ वातावरण प्रदूषित हो रहा है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।